बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। पहला साइंटिस्ट जिसने एटमॉस्फेयर के प्रेशर 1.01 × 10⁵ पास्कल मेजर किया था, उसका नाम था टॉर्सली। टॉर्सली ने पहली बार ऐसा किया, मतलब कमाल की बात है, उसने पहली बार एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर कर दिया और बहुत ही छोटे एक्सपेरिमेंट से। उसने क्या किया, एक टब लिया मरकरी से भरा हुआ, मरकरी का। आपने कहा पानी क्यों नहीं लिया, उसको कैसे मरकरी लेनी है, बताता हूँ ऐसा क्यों किया उसने। पहला एक्सपेरिमेंट पानी के साथ ही हुआ था, पर पानी के अंदर जो लेंथ ऑफ ट्यूब है कई मीटर लंबी लगती है, मतलब छतों तक बहुत ऊपर जाती है, तो उसने कहा यार बहुत बड़ी ट्यूब लेनी पड़ती है, इतनी ट्यूब कौन बनाएगा, छोटी ट्यूब लेते हैं 1 मीटर की, तो मरकरी के साथ काम चलता है। मरकरी की डेंसिटी ना हैवी है, 13 point something है, और पानी की 1000 है, इसकी इंटू जो है 13 something है, तो भारी है, तो ट्यूब कम में काम चलता है, पानी हल्का है तो ज़्यादा में काम चलता है। चलो वो उसकी उसने देख लिया था, हम तो मरकरी से करेंगे। वैसे भी जितने ब्लड प्रेशर मेजर करने के मशीन्स हैं, डॉक्टर के बाद मरकरी यूज़ होती है। टेम्परेचर थर्मोमीटर मरकरी, मरकरी क्यों, टेम्परेचर के साथ एकदम एक्सपैंड होती है, जल्दी एक्सपैंड होती है, तो जैसे बुखार है 100 की जगह 102, मरकरी एक्सपैंड होकर दिखा देती है कि 100 की जगह 102, मतलब पानी होगा तो एक्सपैंड नहीं होगा, आपको पता नहीं लगा बुखार है कि नहीं, मरकरी की एक्सपेंशन साथ है। तो चलो उसको छोड़ो, ये मरकरी डाल दी। आप सोचेंगे ये शायद डायग्राम ना ठीक बनाना नहीं आया, नहीं बनाना आया है, अगला चैप्टर यही है, इसके मेनिस्कस बोलते हैं, शेप्स लिक्विड की कैसी चलती हैं। पानी का मेनिस्कस या तो फ्लैट होता है या ऐसा होता है, इस शेप में होता है। पानी का डायग्राम की अब बिल्कुल पतली सी ट्यूब ले लें, बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब ले लें, पानी ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मरकरी कभी भी ट्यूब में डालेंगे या टब में डालेंगे वो ऐसी नहीं दिखेगी, वो ऐसी भी नहीं दिखेगी, वो ऐसी बाहर की तरफ दिखेगी। उसका रीज़न है वो हम सरफेस टेंशन चैप्टर में करेंगे, इंटर एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड है। चलो वो भी हमें नहीं पढ़ना, वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, आपको घर जाकर अजीब ना लगे ये डायग्राम ऐसा क्यों बनाए, ऐसा सही डायग्राम बनाए। टॉर्सली ने क्या किया, एक ट्यूब ली, एक ट्यूब में मरकरी भर दी, हाथ रखा ट्यूब के एंड पर, उसको उल्टा कर दिया, तो ट्यूब में पूरी मरकरी भरी हुई है, ट्यूब टैंक में मरकरी के भरे हुए टब में डाल दी, ये रही। इससे क्या हुआ, इसका वेट था मरकरी का, मरकरी ने गिरना स्टार्ट किया, पर मरकरी ज़्यादा गिर नहीं पाई, यहाँ पे आके रुक गई। अब यहाँ पर तो क्योंकि मरकरी थी तो नीचे गिरी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर भी नहीं रही, तो यहाँ पर वैक्यूम हो गया। वैक्यूम का मतलब इस पॉइंट का प्रेशर एटमोस्फेरिक नहीं रहा, जीरो हो गया। अब हो क्या रहा है, इसकी साइड्स पे एटमोस्फेयर क्या लगा रहा है, प्रेशर, और एटमोस्फेयर क्या चाह रहा है, ये दब जाए, दबाने की कोशिश कर रहा है। मरकरी का वेट क्या चाहता है, कि वो नीचे गिरे और मरकरी ऐसे उड़ जाए, मतलब साइड के टब से ऐसे खुल जाए। तो अब इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि नीचे जो प्रेशर लग रहा है इस मरकरी का और यहाँ एटमोस्फेयर का लग रहा है वो बराबर हो जाएगा, और अगर ये बराबर हो गया मरकरी गिरना बंद हो जाएगी। तो हुआ क्या, थोड़ी देर में मरकरी हल्की सी गिरी, रुक गई, एच डिस्टेंस पे रुक गई, यानी कि बी पॉइंट का प्रेशर और सी पॉइंट का सरफेस का प्रेशर क्या हो गया, सेम, क्योंकि लिक्विड तब मूव करता है व्हेन देयर इज सम प्रेशर का डिफरेंस, पर प्रेशर का डिफरेंस ही खत्म हो गया क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम हो गया। अब ये बताओ बी पॉइंट का प्रेशर होगा क्या, अगर मैं बी और ए पॉइंट लूँ, पी बी माइनस पी ए क्या होगा, एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, पर ए पॉइंट का प्रेशर क्या है, जीरो। तो बी पॉइंट का ये प्रेशर हो गया, और ए पॉइंट का प्रेशर है क्या, पी एटमोस्फेरिक, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आके पी एटमोस्फेरिक किसके इक्वल हो गया, एच रो जी, ऐसे। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर में टॉर्सली ने जब ये लेंथ मेजर की ना, उसने कई एक्सपेरिमेंट किए, जगह जगह पे किए, ये हाइट हर बार ट्यूब उल्टी करने पे 76 सेंटीमीटर आती है हमेशा, जो आप केमिस्ट्री में याद करते हैं, सब याद करते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो वो उसने 76 को जब यहाँ पुट किया, डेंसिटी ऑफ मरकरी से यहाँ वैल्यू पुट की, जी से मल्टीप्लाई किया, 1.01 × 10⁵ आया, ऐसे निकलता एटमोस्फेरिक प्रेशर। और जगह जगह कर करके देख लिया, ट्यूब उल्टा कर करके, यही इक्विलिब्रियम पे यही प्रेशर आता है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका प्रेशर निकालने का। तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर एक्यूरेटली मेजर करेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसे सिंपल बैरोमीटर भी बोलते हैं। लॉन्ग ट्यूब है मरकरी से भरी हुई, इसको थंब रख के उल्टा कर दिया, थंब को रिमूव किया, तो मैथमेटिकल पोर्शन मैंने सिखा दिया, दिस इज बैरोमीटर। ठीक है यहाँ तक?